नमस्ते दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे हो और एक न्यू वीडियो पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो थोड़ा देख लीजिए। प्रतिज्ञा महंती जी ने एक रिक्वेस्ट किया था, उनका ब्लाउज का साइज है 40 और टोटल लेंथ है 15 इंच। पूरा मेजरमेंट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाती हूँ, आप लोग साइड स्क्रीन पे देख लीजिए। उनका हाइट देखिए 5'4" है और ब्लाउज का लेंथ है 15 इंच और सिलाई के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा जरूर लेना है। और शोल्डर लिया है उन्होंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है 5.5 इंच, फ्रंट नेक डिप लिया है 7 इंच, बैक लिया है 10 इंच और इसका बस्ट पॉइंट है 11 इंच और कमर है 36 इंच, चेस्ट है 40। तो उनका ये ही मेजरमेंट था, लेकिन जब उन्होंने इसी मेजरमेंट पे ब्लाउज तैयार किया था उस टाइम पे उनका ब्लाउज का हालत कुछ ऐसे हो गया है, देख लीजिए। तो ऐसे क्यों हुआ है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है, वही मैं आपको अभी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप सबको समझाऊंगी एक साथ। देखिए, मैं चाहूँ तो इनको पर्सनली भी रिप्लाई दे सकती हूँ, लेकिन पर्सनली रिप्लाई देने से क्या होगा, सिर्फ उनको समझ में आएगा, बाकी किसी को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग जितना भी कमेंट करते हो मैं पूरा एक साथ मिला लेती हूँ, मिला के मैं और एक न्यू वीडियो तैयार कर लेती हूँ। इसलिए आपका भी अगर कोई डिमांड है जरूर कमेंट में लिख देना। तो अभी मैं इसी मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज कटिंग दिखाऊँ, लेकिन उन्होंने फ्रंट साइड पे ये मेंशन नहीं किया है ब्रा कट चाहिए, प्रिंसेस कट चाहिए, 4 टक चाहिए या 4 टक बेल बेल्ट चाहिए या क्रॉस कट चाहिए, कोई भी मेंशन नहीं किया। लेकिन अभी मैं उनको 4 टक बेल ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगी। देखिए, 4 टक बेल ब्लाउज का बहुत सारा रिक्वेस्ट है, जिसके कारण मैं अभी 4 टक बेल ब्लाउज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कटिंग करके दिखाऊंगी, अभी समझाऊंगी कहाँ पे उनका क्या गलती था। तो पहले देखिए, आप लोग मेरे ब्लाउज का फिटिंग देख लो, मैं जितना भी अभी वीडियो में बोलती हूँ पूरा मैं पहले पहनती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे है फ्रंट पर, तो यहाँ पे मैंने स्लीवलेस किया, स्लीवलेस हो और साथ में स्लीव्स हो कोई दिक्कत नहीं है, तरीका सेम होता है, ठीक है ना, मेरा तरीका सेम होता है कटिंग करना, सिलाई करने का। तो यहाँ पे देखिए, ये भी 4 टक ब्लाउज है और पीछे देख सकते हो ये डीप टैक है, लेकिन पीछे यहाँ पे कोई भी डोरी भी नहीं है, फिर भी ब्लाउज का फिटिंग्स आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे डीप गला पे फिटिंग हुआ है। आपका भी ऐसे हो सकते हैं अगर मेरे मेथड के हिसाब से आप कटिंग और सिलाई करते हो। तो देखिए, अभी सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं उन्होंने जो गलती किया, कहाँ पे क्या गलती हुआ है, वो ही पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, आप लोग पहले यहाँ पे देख सकते हो पीछे की तरफ उठा हुआ है, तो उठा हुआ क्यों है, उन्होंने जितना ब्लाउज का लंबाई लिया है वो लंबाई उनका परफेक्ट था, फिर भी पीछे की तरफ क्यों उठा हुआ है, क्योंकि देखिए उन्होंने बैक साइड पे जो टक्स दिया ना पीछे की तरफ, देखिए जो टक्स है वो टक्स बहुत ही छोटा करके दिया, ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं उठाया और जब नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई किया उस टाइम पे हाफ पीस नहीं लिया, थोड़ा सा कम लिया। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आप बैक साइड पे टक्स देते हो ये सही तरीके से देना है और ऊपर की तरफ ज्यादा उठाना है। और एक बात, उनका जब ब्लाउज का कमर का फिटिंग से वहां पे बहुत ज्यादा लूजिंग रह गया है, मिनिमम 1 से 1.5 इंच उनका लूजिंग रह गया है, जिसके कारण उनका ब्लाउज पीछे की तरफ इस तरीके से उठा हुआ है। तो कटिंग करते वक्त मैं डिटेल्स से और भी आपको समझाऊंगी। अभी देखिए, पीछे की तरफ जो ज्यादा रिंकल्स है, इतना ज्यादा रिंकल्स क्यों है, यहाँ भी उन्होंने एक गलती किया कटिंग करते वक्त। हम लोग जब कटिंग करते हैं ना उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन चाहिए वो पहले नहीं लेती हूँ, लेकिन उन्होंने कटिंग करते वक्त मुझे जितना ये पिक देख के समझ में आया, उन्होंने कटिंग करते वक्त जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन चाहिए वो उन्होंने पहले ही ले लिया था, तो जिसके कारण यहाँ पे जो कटिंग करते टाइम मेन पॉइंट से बाहर चला गया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड हो गया है, इसके कारण पीछे की तरफ बहुत ज्यादा रिंकल्स आ गया है। अब इसको सुधारना है, मैं आपको बता दूंगी आपका ब्लाउज पे गलती हो गया है वो भी कैसे सुधर सकते हो, वो भी मैं वीडियो पे आपको समझा दूंगी, आप वीडियो पे बने रहिएगा। तो इतना तक हमें थोड़ा बहुत समझ में आ गया है, अभी कटिंग पे ध्यान देते हैं। तो फिर चलिए एक छोटा सा स्माइल के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। टोटल यहाँ पे फैब्रिक मैंने लिया 80 सेंटीमीटर और फैब्रिक का चौड़ाई है सिर्फ यहाँ पे 43 इंच, तो फैब्रिक का चौड़ाई बहुत ही कम है, इसी फैब्रिक से मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड किया, यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से जॉइंट साइड है, तो बैक पार्ट को आपको ध्यान से काटना है। लंबाई देखिए उनको 15 चाहिए, लेकिन मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, कोई भी साइज का हो हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है,
16 मैंने टोटल यहाँ पर लंबाई लिया, सिलाई के बाद 15 रहेगा। अभी शोल्डर उन्होंने 5.5 इंच लिया था, शोल्डर बिल्कुल बराबर लिया था 5.5 इंच, और आर्म होल लिया था 5.5 इंच। आर्म होल देखिए सबका एक जैसा नहीं होता है, किसी का 5.5 होता है, किसी का 4.5 होता है, किसी का 6 भी हो सकता है 40 साइज पे, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 5.5 इंच रखूंगी उनके हिसाब से, यहां से भी बराबर मिला लेना है। अभी देखिए कहाँ पे अपने गलती किया था जिसके कारण बैक साइड पे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिंकल्स आ गया था। यहाँ पे देखिए आपका कितना चाहिए, अपर चेस्ट है 40 10, यहाँ पे आप लगा लो। लेकिन ज्यादातर तो लोग क्या गलती करते हैं, ब्लाउज पूरा कंप्लीट होने के बाद सिलाई करते टाइम, फिटिंग्स करते टाइम जितना एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन चाहिए, 1/2 इंच हो, 200 तो 300 तो जितना चाहिए, वो लोग पहले से ही यहाँ पे 1/2 इंच ऐड कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होता है, इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको जितना आपका अपर चेस्ट है उतना ही लेना है, या चाहो तो आप और भी 1/2 इंच कम ले सकते हो, इतना पीछे की तरफ रख के आप ले सकते हो, तब देखिएगा पीछे का जो शेप है ना बहुत ही अच्छा होगा। आपका जितना ब्लाउज का साइज है मिनिमम, अगर आप उससे 1/2 इंच या 1 इंच कम लेके आप कटिंग करते हो, उस टाइम पे आप देखना आपकी ब्लाउज पे फिटिंग्स कितना अच्छा होता है। मैं नेक्स्ट और एक वीडियो पे आप लोगों को पूरा डिटेल्स थी उस पर समझा दूंगी। अभी देखिए उन्होंने जो गलती किया है वही मैं समझाऊंगी। उनको 10 इंच पे देना था, शायद उन्होंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रख दिया था। ये गलती आपको नहीं करना है, यहाँ पे जितना है उतना ही लेना है, फिर इसके साथ आप 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रख दो। अभी यहाँ पे जो 2 इंच एक्स्ट्रा है यहाँ से बाद में हमें देना है, फिटिंग्स करते टाइम कटिंग करते टाइम हमें जो पहले मिला है उसी हिसाब से लेना है। चाहो तो और भी थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाओ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, पीछे आने से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आगे जाने से दिक्कत होगा। तो अभी देखिए मैं आपको पीछे की तरफ से रह के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए उनका आर्महोल बहुत ही कम है, तो मैं देखिए यहाँ पे 1 इंच से 200 ज्यादा रखूंगी, बहुत ज्यादा आर्महोल उनका कम है। देखिए थोड़ा सा अंदर की साइड से ऐसे आपको जरूर नीचे की तरफ डाउन करके देना है, तब देखिएगा पीछे का जो रिंकल्स है आपका मिनिमम 70% कम हो जाएगा। तो अभी देखिए टोटल जितना यहाँ पे छाती है उससे आपको 1/2 इंच कम लेना है कमर के लिए, इस तरीके से भी आप ले सकते हो। अगर आप इस तरीके से लेना नहीं चाहते हो, उस टाइम पे जितना आपका कमर का मेजरमेंट उनका कितना था 36, तो जितना कमर है उसका चौथा भाग लेना है 9, हो गया ना। अभी देखिए इसके साथ आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लो, हो गया है। अभी चाहो तो आप और भी थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हो, 2.5 इंच भी ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हो गया है। अब यहाँ पर टक्स के लिए देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कहाँ पे दो। देखिए यहाँ पे अगर आप 5.5 इंच पे देते हो फिर भी आपका होगा, 6 इंच से रखोगे फिर भी आपका होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए 5.5 इंच पे रख दो। अभी देखिए ऊपर की तरफ उठाते टाइम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब ब्लाउज का लंबाई ज्यादा होता है तब यहाँ पे आपको ज्यादा करके देना है। अभी यहाँ पे आप 6.5 इंच रखोगे तब बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे आप लोग गलती कर देते हो, क्या करते हो यहाँ पे मिनिमम आप लोग क्या करते हो, देखिए 4 इंच या 4.5 इंच या 5 इंच उठा लेते हो, तो इतना उठाने से नहीं होता है। यहाँ पे ब्लाउज का लंबाई जितना ज्यादा होगा हमेशा ध्यान में रखना है, इसका लंबाई उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको बराबर तरीके से उठा लेना है। जितना आप ऊपर की तरफ कम उठाओगे उतना ही आपका यहाँ पे रिंकल्स ज्यादा होगा। अभी नेक का चौड़ाई 2 इंच से ज्यादा नहीं देना है, उनको नेक डिप 10 इंच चाहिए तो 10 इंच यहाँ पे रख दो। अभी यहाँ पे अपने हिसाब से ले सकते हो, ज्यादा फैलाना चाहो तो फैला सकते हो। हो गया, यहाँ पे हल्का सा आपको डाउन करना है, हमेशा आपको डाउन करके देना है तब अच्छा होता है। तो यहाँ पे हो गया है, अभी हमें काट कर लेना है।
अभी यहाँ से आप स्लीव्स के लिए मेजरमेंट रख दो। स्लीव्स का चौड़ाई के लिए देखें 9 इंच से लगभग 2 सू ज्यादा हुआ है, जितना हुआ है उससे हमें 1 इंच ज्यादा लेना है, तो 10 इंच से मैं 2 सू ज्यादा रखूंगी। स्लीव्स का लंबाई उनको 7 चाहिए तो 1 इंच हमें सिलाई के लिए लेना है, तो यहाँ पे 8 इंच रखूंगी दोनों साइड पे सेम। अभी स्लीव्स का चौड़ाई हमें कितना चाहिए था, 10 इंच से 2 सू ज्यादा, लेकिन यहाँ पे फेब्रिक नहीं है। देखिए जिनको दिक्कत होता है वो लोग इस तरीके से कर सकते हो, 10 इंच से 2 सू ज्यादा यहाँ तक है। अब यहाँ से देखिए कितना नीचे की तरफ लाना है, 4.5, इसको तिरछा करके मिला लो, यहाँ से 2.5 इंच, अभी शेप लगा लो। मुहूर्त के लिए देखिए अभी नहीं चाहिए, फिर भी चाहो तो यहाँ पर तिरछा ऐसे तिरछा कर सकते हो। अब इसको काट कर लेना है, चाहो तो पेपर के साथ एक साथ काट कर लो। यहाँ पे कटिंग हो गया है। अभी यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक ज्वाइन करने के बाद ये जो पेपर है इसके ऊपर इस तरीके से रख दो, रख के जितना भी एक्स्ट्रा है काट कर लो। अगर आप न्यू हो उस टाइम पे आपको ऐसे कर लेना है। यहाँ पे फ्रंट के लिए आपको शेप लगा लेना है, काट ला के रख देना है। यहाँ से हुक और आई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अभी बैक पार्ट लेना है, इसके बराबर यहाँ पे मिलाना है। अभी इसके हिसाब से निशाना देना है। इसको हटा लेना है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है डीप नेक पे फ्रंट साइड पे शेप देना चाहिए या नहीं। देखिए डीप नेक ब्लाउज पे फ्रंट साइड पे शेप देने का जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आप देना चाहते हो उस टाइम पे क्या करना है, यहाँ पर जितना आप शेप लगाओगे, अगर हल्का सा यहाँ पे आप ऐसे शेप लगाते हो उस टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा उठा के देना है, जितना यहाँ पे होगा उतना ही आपको उठा लेना है, नहीं तो आर्महोल पे फिटिंग्स अच्छा नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे हमें कितना एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ से देखिए मिनिमम आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। चाहो तो आप और भी थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेने से बहुत ही अच्छा होता है। इसको तिरछा करके मिला लो, अभी यहाँ पे लेने का जरूरी नहीं है। यहाँ से देखिए पहले फ्रंट नेक डिप लेना है, उनको 7 चाहिए तो मैं यहाँ पे 7 रखूंगी। यहाँ पे आप थोड़ा सा ज्यादा रखो, 2.5 रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको फ्रंट थोड़ा राउंड चाहिए तो आप थोड़ा सा दबा के देना है, अगर फ्रंट पे राउंड नहीं चाहिए भी की तरह चाहिए उस टाइम पे आप यहाँ से लगा लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हो, और भी गहरा से देने से फ्रंट पे और भी यहाँ पे फैला हुआ राउंड की तरह रहेगा। अभी देखिए शोल्डर से आपको यहाँ से बास्ट पॉइंट, उनका बास्ट पॉइंट 11 है, तो 10.5 इंच पे अगर होता है तो आपको 11 इंच लेना है, 1/2 इंच शोल्डर पे सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है, इससे ज्यादा आपको बास्ट पॉइंट लेने का जरूरी नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ तक बास्ट पॉइंट है, यहाँ से आपको एपेक्स पॉइंट जो टाक्स होगा, टाक्स के लिए मेजरमेंट कित कैसे लेना है, उन्होंने फुल बास्ट का मेजरमेंट नहीं दिया है। देखिए उन्होंने फुल बास्ट का कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया है, 40 साइज पे नॉर्मली जितना फुल बास्ट होता है 42, 43, 44 इतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन जो फ्री साइज में आता है 43, मैं इसी हिसाब से दिखाऊंगी 43, जितना मिला है इसको 10 से डिवाइड करना है, तो 4.3 इंच यहाँ पे होता है। आपका जितना है आप अपने हिसाब से लीजिएगा, तो 4.3 पे मैं यहाँ पे निशाना लगा लूँगी। इसको सीधा पहले नीचे की तरफ लेके आना है। अभी देखिए यहाँ से और एक मेजरमेंट लेना है, वो कैसे लेना है, जितना आपका फुल बास्ट होगा उसका 13वां भाग लेना है। अगर 13वां भाग निकालने में दिक्कत होता है उस टाइम पे मैं जिस तरीके से हर वीडियो में बोलती हूँ आप उसी तरह रख दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका 13वां भाग आता है लगभग 3.3 इतना आता है,
अगर आपको मेजरमेंट निकालने में दिक्कत होता है, आपको और एक तरीका बताती हूँ ये मेजरमेंट निकालने के लिए। आप कोई भी एक मोबाइल ले लो, जितना आपका फुल बस्ट है, यहाँ पे देखिए 43 है, तो 43 होगा तो उसको डिवाइड करना है 13 से, तो देखिए कितना मिला है, 3.30। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है, बहुत ही ईजी होगा। तो 3.30 पे यहाँ पे निशाना लगा लो, फिर इसके साथ मिनिमम आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 4 इंच देखिए यहाँ पे एक सूत कम हुआ है, इतना लेने से बाद में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसको पहले सीधा करना है, ऐसे हो गया है। अब यहाँ से टैक्स के लिए देना है, टैक्स कितना देना है आपको, मिनिमम यहाँ पे 3 इंच टैक्स तो आपको देना ही है, हो सके तो 3.5 इंच दीजिएगा, अगर 3.5 इंच रखते हैं उस टाइम पे ऐसे फुल करना है, दोनों साइड बराबर यहाँ पे मिला लो, हो गया है। इसको भी यहाँ से मिला लो। अभी यहाँ से एक टैक्स देना है, तो बिल्कुल मिडल से आपको 1.5 इंच छोड़ देना है, छोड़ के यहाँ पे टैक्स लगा लो। यहाँ से आपको और एक टैक्स देना है, बिल्कुल यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पे 5.5 इंच पे भी दे सकते हो, या चाहो तो और भी नीचे की तरफ से भी दे सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये टैक्स हो गया है। आर्महोल से देखिए, यहाँ पे ज्यादा नीचे की तरफ से आपको नहीं देना है, ज्यादा नीचे की तरफ से देने से क्या होता है, आर्महोल का फिटिंग अच्छा नहीं होता है। आप यहाँ पे 4.5 इंच पे रख दो, इसको तिरछा करके यहाँ पे लेके आना है इस तरफ। अभी थोड़ा नीचे की तरफ से और एक निशाना देना है, देखिए ऐसे, यहाँ से मिडल से हमें 1.5 इंच छोड़ देना है, इतना तक हमें ये टैक्स देना है। तो 4 टैक्स हमें मिल गया है, लेकिन बेल्ट क्या करना है, यहाँ से देखिए लगभग 1.5 इंच उठा लो, और यहाँ से बेल्ट के लिए छोटा होगा, हमें अलग से फैब्रिक काटना है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए इसको आप चाहो तो सीधा भी रख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तिरछा करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, ऐसे देना है, तो यहाँ पे हो गया है। देखिए बेल्ट के लिए हमें यहाँ पर जो मेन पॉइंट था, जितना लंबाई था, वहां से हमें मिनिमम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, लेकिन थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पे कम है, 2.5 इंच नहीं चाहिए, फिर भी 2.5 इंच लेने से अच्छा होता है, बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और फैब्रिक का यहाँ पर चौड़ाई भी बहुत कम था, चाहो तो ये भी रख सकती हूँ या अलग भी कटिंग कर सकती हूँ। तो पहले मैं 20 में जो है वो काट कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा लिया, पहले बैक पार्ट के हिसाब से इसका चौड़ाई लेना है। अभी देखो यहाँ पे कितना है, टोटल यहाँ पे 3 इंच है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी, मैं 4 इंच रखूंगी, 4 इंच नहीं चाहिए, फिर मैं 4 इंच रखूंगी, 20 में हमें 4 इंच रख देना है। पहले चाहो तो इसको सीधा कर लो ऐसे। अभी एक साइड से देखिए, आप चाहो तो 1 इंच उठा लो और दूसरे साइड पे 1/2 इंच उठा लो, सिंपल तरीके से ऐसे शेप लगा लो, और कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा ऊपर की तरफ भी देने का कोई भी जरूरी नहीं है, जैसे ब्रैकेट पे होता है बिल्कुल वैसे आप कट कर लो। ये फिटिंग साइड है, यहाँ पे हल्का सा तिरछा करना है, देखिए एक साइड पे हो गया है, दूसरा भी काट कर लेना है। अभी यहाँ पर जितना भी फैब्रिक है, इसी फैब्रिक्स में स्लिप से जैन लगाऊंगी, और जितने पोटी भी चाहिए यहाँ से काट कर लूंगी। अब यहाँ पे देखिए सिलाई के बाद कैसे होगा, बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से होगा,
देखो यहाँ पे बिल्कुल बेल भी बराबर हो गया है। तो इसी तरह आप भी काट कर लीजिएगा और सेम तरीके से आपको अस्तर काट कर लेना है और मैं यहाँ पे विदाउट अस्तर का बनाऊंगी। तो देखना दोस्तों कितना इजीली मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको समझ में आया है किस तरीके से ये काटिंग करना है, कहाँ पे आपका क्या गलती था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कहीं पे आपका कुछ भी डाउट रहता है आप लोग जरूर मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मैं इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलाई दिखाऊंगी, सिलाई का वीडियो जरूर देखिएगा। आज के लिए यहाँ पर।